कुल्लू पहुंचने पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने इस दौरान मौहल में स्थानीय जनता को संबोधित किया और समस्याएं भी सुनी। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चीन सीमा तक साल के 365 दिन सेना की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए सड़क के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सीमाएं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसी के चलते भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लेह से लेकर कन्याकुमारी तक सड़क सुविधाएं बेहतर करने पर केंद्र सरकार तेजी से कार्य कर रही है। अगर आप मंडी से कुल्लू तक के ही टनल देखेंगे या फिर कीरतपुर से लेकर यहां तक देखें तो 14 टनल्स तो मैंने गिन ली, तो ये अपने आप में दिखता है कि टनल एक नहीं अनेक टनल्स बन रही हैं। लेकिन जो आपने सामरिक दृष्टि से कहा वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो हम रेलवे लाइन का निर्माण भी करने जा रहे हैं। जो भानुपल्ली बिलासपुर मंडी लेह रेलवे लाइन है वो इसी दृष्टि से बन रही है कि 24 घंटे 365 दिन रेलवे और सड़क की सुविधा हो। अटल टनल भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों के कारण ही रिकॉर्ड समय के अंदर हम उसको बना पाए। शिंगलू टनल भी इसके आगे हम बना रहे हैं ताकि लेह के साथ हमें 365 दिन की कनेक्टिविटी मिल जाए। लेह से लेकर मनाली दिल्ली और कन्याकुमारी तक ये पूरी सड़क ये देश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बनने वाला है। 365 दिन के लिए हम इसको खोलने वाले हैं और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।